माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास ट्वेल्थ बोर्ड एग्ज़ाम्स शुरू होने में मुश्किल से कुछ 6 महीने का वक्त बचा है, तो इसलिए इन 6 महीनों में मैं चाहती हूं कि आपके सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट जो कि है इंग्लिश, इसकी भी प्रिपरेशन साथ साथ चलती रहे। डियर स्टूडेंट्स, आप बाकी सब्जेक्ट्स को तो भरपूर समय दे रहे होंगे, जैसे कि मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन इसके साथ साथ इंग्लिश की तैयारी के लिए मैं आपको मदद करूंगी बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपके सभी प्रोजेस और पोएट्रीज को एक्सप्लेन करके। तो शुरू करते हैं आज की पहली पोएट्री, जो है माई मदर एट 66 क्लास 12th NCERT CBSE बोर्ड एग्जाम्स। माई मदर एट 66, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक कवित्री की माँ की कहानी है जो कि 66 साल की हो चुकी हैं। इसकी पोइटेस हैं कमला दास। कमला दास भारत की बहुत ही विख्यात कवित्रियों में से एक हैं, जिनका जन्म केरला के मालाबार इलाके में हुआ था। इन्हें अपनी ओरिजिनलिटी, वर्सिटैलिटी और इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ सॉइल, अर्थात कि इन्हें अपनी मातृभूमि की मिठास में के लिए और मातृभूमि की मिट्टी की खुशबू के लिए जाना जाता है। कमला दास की पोइट्रीज में बहुत ही सिंपल और सरल भाषा का उपयोग किया गया है। भले इनके नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज हम देखें तो उनमें भी ऐसी ही भाषा का प्रयोग है। सो डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो ये कवित्री मलयालम भाषा में बहुत सी इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, और मलयालम भाषा में इनका नाम माधवी कुट्टी के नाम से जाना जाता है, परंतु इंग्लिश के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश, शी इज वेल नोन एज कमला दास। पद्मावती, द हार्लेट एंड अदर स्टोरीज, ये इनकी एक पुस्तक है जो कि शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन है और बहुत ही प्रख्यात कहानियों में से एक है। ये बहुत ही सेंसिटिव राइटर हैं, जो कि बहुत सी कम्प्लेक्स सटल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स को इन्होंने बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत किया है, अर्थात ह्यूमन रिलेशनशिप्स, हम मानवों में जो आपस में रिश्ते हैं, संबंध हैं, इन्होंने ने बहुत सरलता के साथ अपने पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। और माई मदर एट 66 भी ऐसी ही एक कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट पोइट्रीज ऑफ कमला दास, माई मदर एट 66। तो माई डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किसी कविता को पढ़ें, उसके कवि के बारे में या कवित्री के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो कमला दास के बारे में जो मैंने बताया वो जरूर ध्यान में रखिएगा। लेट्स स्टार्ट आवर पोएट्री ऑफ टुडे नाउ। इससे पहले मैं आपको इस कविता का सेंट्रल थीम और मेन आइडिया बताती हूँ। द सेंट्रल थीम इज एक्चुअली हाईलाइटिंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ। कमला दास ने इस कविता के माध्यम से हमें मनुष्य जीवन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हमारे सामने आती हैं, स्पेशली तब जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है और उसे ये एहसास होता है कि उसके माता पिता धीरे धीरे वृद्ध हो रहे हैं और एक दिन वो उनसे बहुत दूर चले जाएंगे, तो ये कविता भी, इट्स अ बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड अ डॉटर। और अगर हम एक पंक्ति में इसे व्याख्यान करें तो ऑल दैट हैज़ ब्लूम्ड विल विल्ट वन डे, अर्थात जो भी, चाहे कोई भी चीज़ धरती पर आती है, उसे एक ना एक दिन जाना ही है, मुरझाना ही है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज की पोएट्री, जो कि बहुत ही सिंपल और सरल है। तो पोएट्री शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक फ्री वर्स है। फ्री वर्स अर्थात ना इस कविता में कोई राइमिंग स्कीम है, देयर इज नो राइमिंग स्कीम, और ना ही इसकी कोई रिदम है। ये इस तरह से प्रस्तुत की गई है जैसे कवित्री हमसे वार्तालाप कर रही हूँ, यानी डायलॉग्स के फॉर्म में। सो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो इस कविता में कमला दास कोचीन जा रही हैं, वो अपने माता पिता से दूर रहकर पढ़ाई कर रही हैं, या हम कह सकते हैं कि नौकरी कर रही हैं, और वो वहाँ से अब कोचीन जा रही हैं जहाँ पर वो जॉब करती हैं। और माता और पुत्री दोनों ही एक गाड़ी में सवार हैं, दे आर ड्राइविंग इन अ कार एंड हर मदर इज सिटिंग बिसाइड हर, उनकी माँ उनके बिल्कुल बगल में बैठी हैं। तो जाते समय कमला दास का की जो नज़र है वो अपनी माता के चेहरे पर पड़ती है।
आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक दैट. डोज अर्थात सोई हुई, स्लेप्ट, ओपन माउथेड थोड़े से खुले मुंह के साथ, हर फेस एशन लाइक दैट. एशन अर्थात कि थोड़ा सा बुझा हुआ चेहरा, विदाउट एनी काइंड ऑफ रेडनेस इन द फेस ऑफ अ कॉप्स. कॉप्स अर्थात डेड बॉडी. ऐसा उनका चेहरा प्रतीत होता है मानो कि कोई मुर्दा शरीर हो. एंड रियलाइज्ड विद पेन, रियलाइज्ड विद पेन मतलब कि वो दर्द में जैसे हों. दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे. एज ओल्ड एज यानी कि उनका चेहरा उनकी उम्र साफ साफ बता रहा है. बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग. पर वो कहती हैं जल्दी ही मैंने उस विचार को अर्थात अपनी माँ के ढलती हुई उम्र के विचार को और उनके इस दुनिया से चले जाने के विचार को एक तरफ किया. थॉट अवे, थॉट किस थॉट की बात कर रही हैं वो, उनकी माता के गुजर जाने का, ठीक है, तो उसे एक तरफ करती हैं और अपना ध्यान बाहर की तरफ आकर्षित करती हैं. वो गाड़ी से बाहर देखने लगती हैं. कमलादास, शी लुक्ड एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. और बाहर देखिए वो क्या देखती हैं, हरे भरे भरे पेड़ जो कि अभी नए फूटे हुए पेड़ हैं, नई कोंपलें आ रही हैं पत्तों में. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग और छोटे छोटे बच्चे जो अपने घर से बाहर खेलने के लिए निकल रहे हैं. मैरी चिल्ड्रन, मैरी चिल्ड्रन अर्थात खुश होते हुए बच्चे. स्पिलिंग का यहाँ अर्थ है बाहर आना, किसी चीज़ का बाहर निकल कर आना. तो यहाँ बच्चों और पेड़ों को एक कंट्रास्ट के रूप में यूज़ किया गया है, यानी उनकी मदर जो कि अपनी ढलती उम्र की तरफ बढ़ रही हैं, वहीं पेड़ पौधे और छोटे बच्चे अभी अपने यौवन की तरफ बढ़ रहे हैं. आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स. पर वो कहती हैं थोड़ी देर तो मैंने उनकी तरफ देखा, परंतु जैसे ही वो एयरपोर्ट पर पहुँचती हैं तो सिक्योरिटी चेक सब होने के बाद उनकी माँ बिल्कुल उनके सामने खड़ी हुई हैं. अ फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ ही दूरी पर. आई लुक्ड एट हर अगेन. फिर कमला दास के मन में फिर से वही ख्याल आता है. वो फिर अपनी माता की तरफ देखती हैं. वॉन पेल, वॉन अर्थात कलरलेस, कि उनका चेहरा बिल्कुल ही कलरलेस दिखाई दे रहा है बिना किसी शाइन के. एज लेट विंटर्स मून, बिल्कुल ऐसा चेहरा जैसे कि एक सर्द रात का चंद्रमा हो, यानी कि एक धुंध में छुपा हुआ चंद्रमा जिसकी हमें चमक, जिसकी रोशनी बहुत कम दिखाई देती है. एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ वाकई बूढ़ी हो चुकी हैं. फैमिलर एक, और आज वो कहती हैं कि वही मुझे मेरा पुराना बचपन का दर्द, एक यानी दर्द, वही मुझे दर्द आज फिर महसूस होता है. अब उनके बचपन का कौन सा दर्द है तो सुनिए. माई चाइल्डहुड्स फियर, उनके बचपन का डर. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, उनके बचपन का वही डर है जो एक बच्चे आम बच्चों को होता है उनकी माँ से दूर चले जाने का या उनकी माँ का दूर चले जाने का, ठीक है. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, पर वो कहती हैं कि बस मैं सिर्फ इतना ही कह पाई कि अम्मा आपसे जल्द फिर मिलूंगी. ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. और इसके साथ साथ अब वो कविता को ख़त्म करते हुए कहती हैं कि जाते वक्त उन्होंने अपनी माँ की तरफ सिर्फ स्माइल किया, सिर्फ मुस्कुराती रही. शायद इस मुस्कुराहट के पीछे वो अपना दर्द छुपा रही हैं, या वो अपनी माँ को ये पता नहीं लगने देना चाह रही हैं कि उनकी बेटी किस परेशानी या किस डर से गुजर रही है. सो ये स्माइल वर्ड जो है इसमें बहुत ही मीनिंगफुल है. इट्स अ काइंड ऑफ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू हाइड व्हाट शी इज़ फीलिंग इनसाइड हर. Deliberate attempt यानी कि वो जानबूझकर वो स्माइल दिखाती हैं ताकि उनकी माता से उनका दर्द छुपा रहे और उनकी माँ को ये महसूस ना हो कि इनकी बेटी किस दर्द में है. तो ये बच्चों आज की कविता कुछ इस प्रकार थी. मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम इस कविता में आई हुई सभी पोएटिक डिवाइसेस यानी कि जितने भी अलंकार हैं उन्हें डिस्कस करेंगे. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस करें. धन्यवाद.